तो एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल का यहाँ पर जो सवाल है वो है प्रॉब्लम नंबर 3.10 का। ये बहुत ही सिंपल सवाल है जो कि आप लोग 10th क्लास में भी जनरली पढ़े होंगे। इसमें करना क्या है आपको कि कह रहा है कि एक वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड का और यहाँ पर क्लोरीन 7 ऑक्साइड है, क्लोरीन का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये ऑक्साइड है, इन दोनों का रिएक्शन वाटर से कराना है और पता करना है यहाँ पर कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। इसका एक सिंपल सा थ्योरी है बाबू कि जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में घुल करके हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि हमेशा एक बेस होता है। ठीक है, वही कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा कोई वीक बेस होगा, तो जैसे सोडियम का ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड ये सब जो है स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करता है। सोडियम का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इस तरह से। ठीक है, और वही जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे तुम लोग पढ़े होगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी में घुला रहता है किसमें, कोल्ड ड्रिंक हो गया सोडा वाटर हो गया, और ये घुल करके अंदर में कार्बोनेटेड वाटर बनाता है। एक्चुअली वो क्या होता है, एक्चुअली वो कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड पानी में घुल करके एसिड का फॉर्मेशन करता है और वो भी एक खास करके स्ट्रॉन्ग एसिड ही बनता है, कार्बोनिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड में ही ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी मिनरल एसिड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, ये सभी पानी में घुल करके सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है Cl2O7 जो है वाटर में घुल करके HClO4 बनाता है जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वही सोडियम ऑक्साइड जो है वाटर में घुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसका पता कैसे लगाया जाए, तो पता लगाने का सिंपल सा तरीका है लिटमस पेपर, पीएच टेस्ट, ये सभी तरीका है। पीएच में लेके जाओगे, पीएच का जो कलर होता है वो येलो टाइप का होता है। ठीक है, जब एसिड में तुम डुबाओगे अगर वो एसिड होगा तो वो रेड या ऑरेंज की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, और वही अगर बेस होगा तो वो ब्लू रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वीक बेस है तो पर्पल टाइप का, स्ट्रॉन्ग बेस जितना होगा उतना ब्लू टाइप का कन्वर्ट होते जाएगा। लिटमस में क्या होता है, तो लिटमस में जो बेसिक होता है उसमें रेड लिटमस कन्वर्ट होता है ब्लू में, और जो एसिडिक होता है उसमें ब्लू लिटमस कन्वर्ट होता है रेड में। ठीक है ना, उल्टा डालोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसका एसिडिक और बेसिक है कि नहीं है कैसा है, इसके लिए हम लोग लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, पीएच पेपर यूज कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, फिनोप्तिलीन यूज कर सकते हैं। फिनोप्तिलीन एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो इंडिकेटर्स का यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो यहाँ पर इस सवाल में यही बस कहा गया था, तो रिएक्शन आप लोग को याद रखना है, बस कहानी खत्म है। और एक बेसिक फंडा जो आपने यहाँ पर सीखा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो बस ऐसी एनसीईआरटी की वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बतलाइए आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।